Hi guys, hello, how are you? Good morning, welcome back to my channel, my new video, another vlog. आप भी स्टार्ट कर रही हूँ. हमने अभी सुबह चाय पी, विद्या के यहाँ आए हैं हम लोग और कुछ प्लान है. अभी वो प्लान पता नहीं, मुझे भी थोड़े से सरप्राइजिंग है थोड़े से, क्योंकि इन्होंने मिल के किया है, मुझे सिर्फ आना है बस, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज है. तो अभी मतलब थोड़ा सा रात को लेट तक जगे थे, कोजागिरी का दूध वगैरह पिया, बहुत सारी बातें की. बातें तो कभी ख़त्म नहीं, जो वो हमारे पास आए थे तभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है. तो बातें की, अभी वो थोड़ा सा उनके क्लिनिक को गए हैं तो हम थोड़ा फ्रेश हुए. फ्रेश होने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ. अभी आगे क्या क्या प्लान है, थोड़ा सा मुझे भी मेरा कुछ काम करना है, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, क्या क्या करेंगे. दिन भर बहुत सारा प्लानिंग है, मज़े करेंगे. आगे क्या क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए पूरे वीडियो पे. खुद का ही ब्लॉग बड़े स्क्रीन पे देखने के बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैं ही मेरा कल का ब्लॉग देख रही हूँ. ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इडली, जो विद्या बना के गई है ऑलरेडी. थैंक यू विद्या. सो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बाद में क्या करना है और ये मेरा वीडियो देखते देखते. हे वाटरफॉल, ये वाटरफॉल. हमारी गाड़ी में मजा नहीं आ रहा है, यही बोलना है ना तुमको. सो फाइनली हम निकल गए. हम कहाँ निकल गए विद्या? श्रीवर्धन बीच पे. हाँ, और कुछ एक दो वर्जिन बीच भी देखेंगे. हाँ, तो पर कुछ है जो मतलब वैसे दया की याद आ रही है मुझे, विद्या और जगदीश के माइंड में कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन surprise. वो मुझे सरप्राइज लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, पर ठीक है, उसी को सरप्राइज बोलते हैं. सो अभी हम निकल गए हैं, काफी अच्छा माहौल है. कल काफी धूप थी लेकिन अभी काफी अच्छा है. यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और छोटे छोटे मिनी वाटरफॉल यहाँ पे भी है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया था. सो एक बार आपको एक माहौल दिखा देती हूँ. वो भीगी भीगी यादें. अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आज क्लाइमेट सच में अच्छा है. कल बहुत ही ज्यादा धूप थी, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए थे, पर ठीक है, आज बहुत अच्छा है. और मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोवा वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या ये ऐसे देख के? बीच लाल परी. हाँ, बीच की तरफ ही, मतलब ये ऐसे पेड़ बहुत है ना गोवा को, तो मे बी उसके लिए. पर मुझे ऐसे लगता है कि हम थोड़ा रेनी सीजन के एकदम एग्जैक्ट बाद में आए हैं ना, तो ग्रीनरी बहुत ही ऐसे पीक लेवल पे है. ये कितनी लाल है यहाँ पे, तो ये मतलब पर प्लांट्स तो बहुत है यार. फिर से एक मिनी वाटरफॉल पे रुक गए हैं. ये देखिए पीछे ये, और पानी इतना अच्छा है ये, और वो आगे आगे आगे. हाँ, ये वाला वो वाला वो कितना अच्छा है देखो ना, छोटा सा. यही है कि इस कार में कुछ तो भी है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. इसके बाद एक हॉरर म्यूजिक देना मेरे. तुम्ही तुमच्या लग्नाचा ड्रेस किती वेळा घातलाय लग्नानंतर? खूप हार्ड क्वेश्चन होता का? हां, एकदाच घातलं, त्याच्यानंतर कधी योग नाही आला घालायचं. आणि तुम्ही परत लग्न झालं नाही ना? हां, व्हेरी स्टुपिड आंसर. बट नाही, ऐसे ओकेजन या कुछ ऐसा था नंतर आलंच नाही ओकेजन, पण घातलंच नाही असं. नाही घातलं. आणि विद्या? नो, साडी कभी भी नाही. अरे बाप, हमारे पतिदेव ने भी एक बार भी नहीं पहना है. लिया इतना महंगा था विद्या. सेम. मैंने तो बहुत, मैंने भी, मतलब मुझे भी बहुत कॉस्टली लिया था, लेकिन मैंने इतना मतलब काफी बार पहन लिया है. वो भी बराबर नहीं, वो भी बराबर. जगदीश का जो ऊपर का था जो शादी के टाइम का, वो मान्यवर का था विद्या, वो सिर्फ वही 25,000 का था. मैंने उसको बोला एक बार तो कभी तो पहन, मुझे भी अच्छा लगेगा, बट कभी पहना नहीं उन्होंने. अभी जब आपका 25वां वेडिंग एनिवर्सरी होगा तब दोबारा शादी करना, तब फिर पहनना.
इंशाल्लाह करवी। वी आर फाइनली एट श्रीवर्धन बीच। बीच क्या क्या दिया है ऑर्डर फाइनली? ऑमलेट, दोन ऑमलेट आहेत, दोन ऑमलेट आहेत पक्का, एक मसाला डोसा आहे, एक वडापाव आहे, एक वडापाव आहे आणि एक कांदा भजी आहे। कांदा भजी दोन प्लेट भेटतील, वडापाव किती दोन करते, वडापावला डबल तुम्हाला एकशे वडापावची मला भाजी। श्रीवर्धन बीच पे आ गए हैं और बस आप मतलब हम भी नहीं अलाउ, हमें भी अलाउ नहीं है, आपको है। चलो फिर अभी खाया पीते ठीक। क्या बटाटे 5 रुपए किलो। हम थोड़ी पहले पेट पूजा कर ले उसके बाद में हम बीच में थोड़ा सा जाएंगे, मतलब पानी में थोड़ा सा, लेकिन पहले पेट पूजा कर ले उसके बाद जाएंगे। लेकिन बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्लीन है, क्लीन मतलब बहुत ही ज़्यादा, और शायद आज थोड़ा सा बारिश की वजह से मे बी पानी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए, पर जाएंगे तो ज़रूर सब है। I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something। के लिए पहले डोसा मंगवाया है, ये मेरे लिए ऑमलेट है, हम दोनों के लिए है। तो संतोष खाओगे आप? It's not working now, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Cheers to this birthday eve. Cause it's everything, you can mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. पे हम हॉर्स राइडिंग करें, मेरा तो फर्स्ट टाइम है विद्या, फर्स्ट टाइम कारवी मेरा हॉर्स राइड फर्स्ट टाइम हाँ। बीच तुम्हारा अभी पास में है तो, लेकिन मेरा हॉर्स राइडिंग फर्स्ट टाइम है। जगदीश आपका? अच्छा लग रहा है, श्रीवर्धन और दिव्यागर इसके बीच में है। अभी हम दिव्यागर के यहाँ जाएंगे, लेकिन कितना पीसफुल लग रहा है देखो। नीचे नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी यहाँ पे रखी है, टू व्हीलर होगा तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, लेकिन अभी नीचे नहीं जा सकते और शाम भी हो गई है। शायद कल आते आते थोड़ा सा चांस मिल जाए तो हम जा सकते हैं। पर हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, और कोई लोग नहीं होते। हाँ गोवा के बीच, इतने गोवा के बीच देखो यार। Thousand years later. ये हमारा रिसोर्ट का बाहर का, से हाय हाय कार्वी, हाय वेरी गुड गर्ल संतोष, हाय। ये हमारे बाहर का अभी रात का व्यू है, कल मैं रूम का और पूरे रिसोर्ट का दूंगी, लेकिन ये रात का बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम खाना खाएंगे। हाय गाइस, मतलब इतना घूमे हम, बीचेस इतने हैं यहाँ पे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था, अभी मैंने गोवा भी इतनी बार देखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने सुंदर और क्लीन बीचेस है, मतलब व्यू भी इतना अच्छा है, शायद मतलब मैंने भी इतने साल में पहली बार एक्सप्लोर किया है, शायद थैंक्स टू विद्या एंड संतोष की, उनकी वजह से ये हो पाया। लेकिन उनको पता था तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जगह पे ले गए हमको, फिर वो हॉर्स राइडिंग की, वो भी मैंने पहली बार ही की है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। होटल मिलने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रही थी,
उतने टाइम में थोड़ा सा थक भी गए थे, तो इरिटेट भी हो रहा था सबको, बेबी भी है हमारे साथ, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। अभी ऑलमोस्ट हमने जहाँ पे हमने स्टे कर रहे हैं, मैं आपको कल सुबह अच्छा खासा एक रूम टूर दूंगी, एक होटल टूर दूंगी, जो रिसोर्ट हमने किया है वो दूंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला मुझे, ऐसे लगा कि सबर का फल मीठा होता है, और सच में मीठा मिला है, लेकिन ये सब मैं कल बताऊंगी। रिसोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है, थोड़े फ्रेश हो गई हूँ मैं, अभी हम खाना खाएंगे कि आज सब सो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी थक गए थे कल रात को, उनकी भी नींद नहीं हुई। कल सुबह क्या क्या होगा या फिर क्या नहीं, वो अगले व्लॉग में देखेंगे। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि कल का व्लॉग मेरे बर्थडे का आपको पता चले कि मैंने कब अपलोड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। I'm the best.